दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे असली अंगों के बारे में, यानी जैसे आपको ये अंग दिख रहे हैं जिसमें ये लिवर, ये लंग्स है ना, ये दूसरा लंग है, ये किडनी, ये सारे असली अंग हैं। इनके बारे में एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होते हैं। और मेरा पर्पज यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंग कैसे होते हैं बॉडी में और कैसे दिखते हैं, बस इस पर्पज से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनका यूज हम बहुत रेस्पेक्टफुली मेडिकल कॉलेज में करते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील का नाम सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा लिवर के बारे में। तो जैसे आपको ये मेरे हाथ में दिखेगा, ये होता है लिवर, यानी इसको अपन यकृत या जिगर बोलते हैं ना। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे तो बॉडी में ये इस तरीके से रखा रहता है, ये इस पर राइट साइड का लोब हो गया, ये लेफ्ट साइड का, राइट में बड़ा होता है लेफ्ट में छोटा होता है। इसका वजन देंगे तो करीब 1600 ग्राम के करीब का एक इंसान के अंदर ऑन एवरेज होता है, ऊपर नीचे भी होता है लेकिन एवरेज की बात करें तो 1600 ग्राम के करीब होगा, है ना। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे लिवर में जो मेन फीचर जो रहता है, जैसे लिवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो इसमें आपने पित्त की थैली सुनी होगी, तो मैं थोड़ा पास में लाके दिखाऊंगा पित्त की थैली लिवर में कहाँ होती है। तो देखो आपको दिखेगी ये जो लिवर का आगे का पोर्शन था, ये पीछे का, पीछे के नीचे ये एरिया में देखेंगे तो आपको ये दिख रही है पित्त की थैली। इसको बाइल, इसके अंदर बाइल जूस भरा था, ये गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, और ये इसकी नेक होती है। तो कभी कभी इसके अंदर स्टोन बनता है, आपने सुना होगा पित्त की थैली के अंदर स्टोन बन गया है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया तो वो यहाँ अटक जाता है और इसमें इन्फेक्शन करता है, तो इसको फिर काट के सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो ये था इसके अंदर, यानी लिवर के नीचे ही अटैच रहता है, तो ये लिवर था। बाकी ये इसके अंदर यहाँ इंफ्रावेना का भाई हेपेटिक वेन वगैरह रहती है, ये हाइलम होता है, यहाँ से ब्लड वगैरह आता है इसके अंदर, और पोर्टल वेन पूरा बॉडी का यानी कि इंटेस्टाइन का ब्लड इधर ही आता है इसमें। तो ये लिवर हो गया। इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे इसकी फुल वीडियो लिंक आएगी, उसको देख सकते हैं। अब दूसरा ऑर्गन मैं आपको दिखाता हूँ, ये है लंग, जिसको फेफड़ा बोलते हैं। तो फेफड़े का जैसे आपको मालूम है दो फेफड़े होते हैं, राइट फेफड़ा और लेफ्ट, यानी राइट लंग लेफ्ट लंग दो होते हैं हमारी बॉडी में, लिवर तो एक था लेकिन ये दो होते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको ये शेप देखिएगा बॉडी में इस तरीके से रखा रहता है, अपर अपेक्स, ये बेस इसका, ठीक है। अब जैसे इसमें चारों साइड से घुमा के दिखाऊंगा, मैं थोड़ा पास ला के दिखाऊंगा आपको, तो ये जो देख पा रहे हैं इसमें तीन पार्ट होते हैं। राइट लंग है ये वाला, राइट साइड का है, तो इसमें अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये मिडिल पार्ट, इसमें ये दो कट होते हैं, इनको फिसर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिसर, ये ऑब्लिक फिसर, ये इसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल और अपर, है ना। अब इसमें ये रिब्स के अंदर आता है, जो मेन पार्ट होता है लंग का वो होता है ये हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। ये हाइलम का क्या काम है, इसी वाले एरिया से इस लंग के अंदर हमारी खून की नसें, सांस की नली आएंगी और बाहर आएंगी। तो जैसे ये पल्मोनरी वेन बोलते हैं इनको, है ना, जिसके अंदर ब्लड जो है इसमें से निकल के आता है ना, उसके पल्मोनरी आर्टरी, और इसके बाद में ये ब्रोंकस हो गया जिसमें एयर आएगी जाएगी, है ना। तो ये जो है पूरा एरिया हाइलम बोला जाता है, यहीं से इसके अंदर ब्लड आता जाता है और सांस आती जाती है, क्योंकि लंग का आपको काम मालूम है ना, मैंने बताया जैसे इसका काम होता है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फिल कर देता है, तो ये लंग्स हमारे करते हैं। तो ये राइट लंग हो गया और इसके बाद में ये लेफ्ट लंग हो गया। अब इनका आपको कलर जो है ब्लैक कलर का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो है कार्बन पार्टिकल की वजह से दिखता है। जैसे हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ का, जैसे वहाँ स्मोक कितना है यानी धुआं कितना है, तो वो धुआं इनहेल करते हैं तो वो सारा लंग्स के अंदर जम जाता है। जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं, है ना, तो वो स्मोक, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले, तो उनके लंग्स के अंदर धुआं जम जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मोक नहीं करते लेकिन वातावरण में जो है धुआं ज्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी वो धुआं इनहेल करके इसकी वजह से काला पड़ जाता है लंग्स के अंदर, कार्बन पार्टिकल जमने की वजह से। अच्छा, ये वाला जो लंग दिख रहा है ये वाला होता है लेफ्ट लंग हमारा, है ना। तो लेफ्ट लंग देखेंगे आप तो इसमें राइट लंग जो है 650 ग्राम के करीब का होता है, लेफ्ट वाला 600 ग्राम का, 50 ग्राम थोड़ा छोटा या कम वजन में होता है। तो ये आपको लेफ्ट लंग दिखेगा, इसमें जो है आपको ही सेम फीचर है, बस एक फिसर होता है, दो पार्ट होते हैं अपर और लोअर, है ना। इसमें राइट वाले में तीन पार्ट थे, इसमें दो होते हैं बस ऊपर नीचे, है ना, इनको लोब बोलते हैं। और ये इसका हाइलम दिख रहा है, जिसके अंदर खून की नली आती और जाते दिखेंगी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और ब्रोंकस दिख रहे हैं, तो यहाँ से ब्लड आता जाता है इसके अंदर। तो ये था लंग हमारा। अब मैं तीसरा ऑर्गन आपको दिखाता हूँ, किडनी, है ना। तो जैसे आपको ये मेरे हाथ में दिखेगी किडनी, ये भी सारे असली है, इनका यूज हम बहुत रेस्पेक्टफुली मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाने के काम में लेते हैं। आपको दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको दिखे हमारी बॉडी के अंग कैसे होते हैं। तो जैसे ये आपको किडनी दिखेगा, इसको गुर्दा बोलते हैं, ये किडनी हमारी दो होती है, लेफ्ट और राइट, है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ये वाली जो किडनी थी हमारी, ये वाली थी राइट साइड की, राइट साइड में ऐसी लगी रहती है बॉडी में, एक इधर होती है और दूसरी ऐसे करके दोनों किडनी हमारी होती है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो रीनल आर्टरी, रीनल वेन दिख रही है, इसके अंदर से खून आएगा जाएगा और यहाँ से ये कट कर दिया, ये यूरेटर होता है, इसके अंदर यूरिन निकल के जाता है नीचे ब्लैडर के अंदर। किडनी का फंक्शन आपको मालूम ही है, किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन बनाता है और मतलब फिल्टर करता है, तो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के वो बाहर निकाल देता है। तो ये आपको किडनी देखेगा, ये आगे का पोर्शन, ये पीछे का है। इसके बाद में इसको अंदर से खोल के देखते हैं तो आपको
इंटीरियर ऑफ द किडनी दिखेगा अंदर का। तो इसमें आपको दिख रहे हैं ये कैलेक्स होते हैं, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, इनके अंदर स्टोन बनते हैं ना। तो ये जो है पूरा किडनी का, इनमें स्टोन बन के कभी कभी फंस जाते हैं इधर। तो ये किडनी का मॉडल किडनी हो गया। अब दूसरी साइड की दिखाऊं तो मैं आपको, ये भी आपको किडनी दिखेगी, इसमें ये खून की नसें हैं जिसमें से ब्लड आएगा जाएगा, और यूरेटर दिखेगा इसमें। और इसको अंदर से देखते हैं तो ये भी अंदर आप देख पा रहे हैं, इसमें कैलेक्स दिख रहे हैं, इसमें स्टोन बनते हैं, ये पिरामिड वगैरह दिख रहे हैं। इसकी फुल डिटेल की वीडियो मैंने बना रखी है मेडिकल स्टूडेंट के हिसाब से, मैं पूरा लेक्चर दिया है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ये थे सारे ऑर्गन, और भी ऑर्गन के ऊपर वीडियो है मेरे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।